नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पे। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में जो रिक्रूटमेंट देखने वाले हैं वो अवेलेबल है एट इको लैब। दोस्तों, यहाँ पर पोजीशन अवेलेबल है टेक्निकल इंजीनियर 1 की। यहाँ पर रिक्विजिशन आईडी यानी कि जॉब आईडी दिया हुआ है, वो आप याद रखिएगा क्योंकि हमारा फर्दर एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए ये हमें जरूरत होगी। जॉब का लोकेशन रहेगा पुणे इन महाराष्ट्र। दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक दी हुई है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां जाकर जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब हम देखेंगे पोजीशन से रिलेटेड डिटेल्स। यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं, एक दो लाइन में मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, बाकी आप पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगा इंटरप्रेट द डेटा, एनालाइज रिजल्ट यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड प्रोवाइड द ऑनगोइंग रिपोर्ट, डेवलप एंड इंप्लीमेंट द डेटा बेसिस, डेटा कलेक्शन सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स एंड द अदर स्ट्रेटजीज टू ऑप्टिमाइज द स्टैटिस्टिकल इफिशियंसी एंड क्वालिटी। दोस्तों, ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो काफी लेंदी वीडियो बन सकता है। अब हम देखते हैं प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन जो बोले हैं उसमें। प्रेफर्ड तो उसमें फर्स्ट जो बोला है एडवांस एनालिटिकल टेक्निक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसमें लैंग्वेजेस की अगर बात करते हैं हम लोग तो पाइथन, एसक्यूएल या फिर आर लैंग्वेज, साथ में स्ट्रांग एनालिटिकल स्किल सेट होना जरूरी है टू कलेक्ट ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज, साथ में डिसिमिनेट दी सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद अटेंशन टू द डिटेल एंड द एक्यूरेसी, साथ में अडॉप्ट द क्वेरी ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, साथ में स्ट्रांग कैपेबिलिटी होनी जरूरी है टू विजुलाइज टूल सच एज पावर बीआई और टैब्लू। बाकी आप देख सकते हो। अब बेसिक क्वालिफिकेशन की तरफ हम लोग चलते हैं, जो हमारा रेगुलर क्वालिफिकेशन रहेगा उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो कैंडिडेट के पास एडवांस डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री या फिर इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स या इन डेटा साइंसेस, और साथ में 0 to 1 year का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना जरूरी है इन डेवलपिंग डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस। यानी कि हमारे जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं वो सभी एलिजिबल है इन तीनों स्ट्रीम में से, जो केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, साथ में डेटा साइंस की अगर है तो वो सभी एलिजिबल है इस पोजिशन को अप्लाई करने के लिए। एक्सेप्शनल एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होने जरूरी है और प्रोफिशियंट होना चाहिए कैंडिडेट इन एमएस ऑफिस सूट, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर एक्सेल शीट या वर्ड, विद इंटरमीडिएट एडवांस एक्सेल एक्सेस एंड एसक्यूएल स्किल्स, विजुलाइजेशन टूल सच एज माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई एक्सपीरियंस इज प्लस, यानी कि एड ऑन माना जाएगा अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास है तो। तो दोस्तों, ये बेसिक क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने कहा है और फिर से मैं दोहराऊंगा, हमारे जो बेसिक फ्रेशर सब्सक्राइबर है जो ये चारों स्ट्रीम में से आते हैं वो सभी एलिजिबल हैं इन पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड पॉलिसीज दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। फिर से यहाँ पर अप्लाई करने की लिंक दी हुई है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर जरूर अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही इंडस्ट्रियल रिसर्च रिलेटेड जॉब प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिलेटेड जॉब या फिर पीएचडी एंटर नोटिफिकेशन या एजुकेशन रिलेटेड कई ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। थैंक यू।